हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस राशि वाले लोगों के लिए मार्च 2024 का महीना कैसा रहने वाला है, ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। और रीडिंग के एंड में आप लोगों के लिए एक जनरल जो सजेशन है, मंथली सजेशन, वो क्या रहेगा ये भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस डिविनेशन सेशन। और सबसे पहले गाइज, मैं आप लोगों की हेल्थ के लिए तीन कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। आप लोगों की सेहत कैसी रहने वाली है फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मार्च के महीने में आप लोगों की हेल्थ कैसे रहने वाली है, लेट्स सी। वी हैव द डेथ कार्ड, we have four of cups and we have the hanged man। okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेहत पे या हेल्थ की वजह से आप लोगों का कुछ खर्चा हो सकता है इस साल में, इस महीने में पर्टिकुलरली। एंड हेल्थ वाइज कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, और प्रॉबेबली यू नो वेदर चेंज हो रहा है। डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो मे बी मौसम बदल रहा है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी मोर कॉशियस एंड मोर प्रोटेक्टिव अपनी हेल्थ को लेकर के, अदरवाइज हो सकता है कि आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़े, ठीक है, या पैसे खर्च करने पड़े, दवाइयों पर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को आपकी बैक के ऊपर या मे बी आपके पॉस्चर, सिटिंग पॉस्चर के पर ध्यान देने की जरूरत है। काफी सारे लोगों को बोन्स रिलेटेड कुछ इश्यू डेवलप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो बी केयरफुल, आप स्ट्रेचिंग्स कीजिए, आप योगा कीजिए, आप अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रखिए। एंड वाटर इनटेक से जुड़ा भी मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को इस महीने अपने वाटर इनटेक का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, पॉल्यूशन से बचने की कोशिश करनी है। सी ऑल दिस ब्लैक स्मोक, काला जो ये धुआं दिखाई दे रहा है, सो इससे बचने की कोशिश करनी है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप मास्क लगा करके जाएं। इट इज़ नॉट ओनली फॉर कोविड या किसी वायरस से बचने के लिए, बल्कि मास्क वगैरह जो है ये हमको पॉल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा बचाते हैं, राइट। सो यस, आपको वाटर एलिमेंट और आपको एयर एलिमेंट के ऊपर ध्यान देना है। आपका इन पर्टिकुलर अगर हम सेवन चक्रास की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रूट चक्रा और हार्ट चक्रा थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है। सो क्रिस्टल जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस सिचुएशन में, ब्लैक टर्मलीन और एमेथीस्ट। यस, ब्लैक टर्मलीन एंड एमेथीस्ट, ये दो क्रिस्टल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। नाउ लेट अस सी कि आपका करियर, हेल्थ तो हमने देख लिया है, करियर कैसा रहने वाला है। करियर, मनी, ओके, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये मैसेज है। अ कॉमन जनरल गाइडेंस फॉर योर करियर, वी हैव द जजमेंट कार्ड, वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव जस्टिस। ओके, सो साल भी जस्टिस का ही चल रहा है, एंड आई फील कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है वो प्रमोशन का या सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, और उनकी तरफ खजाना खुलने भी वाला है। आपने जितना हार्डवर्क किया है उसके हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो डेफिनेटली आता हुआ मिल रहा है। आई कैन ऑल्सो सी कि इस महीने वर्कलोड गाइज आप लोगों पर ना थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो आप अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप अपने काम में ज्यादा एनर्जी इनपुट डालते हुए दिखाई दे रहे हो, और पुराना जो कुछ भी आपने हार्डवर्क किया है उसका भी कुछ कुछ रिजल्ट जो है वो आपको इस मंथ में मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जो अभी जॉबलेस हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, सेटिस्फैक्ट्री सैलरी वाइज, वर्क एम्बिएंस वाइज, जॉब सेटिस्फैक्शन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि अगर इस महीने आप कोई फैसला लेना चाहते हो आपके काम से जुड़ा, आपके बिजनेस से जुड़ा, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड यू शुड लिसन टू योर लॉजिकल साइड। अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके वर्क में उसको कंसिडर करते हुए आपको फैसला लेना चाहिए। एंड आई कैन सी दैट देर इज़ अ पर्टिकुलर फेमिनाइन एनर्जी, और यू कैन से लेडी लक। बहुत सारे लोगों की लाइफ में लेडी लक, कैन बी योर मदर, कैन बी योर वाइफ, कैन बी योर सिस्टर,
उनके ब्लेसिंग्स या उनकी प्रेजेंस की वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, आपके वर्क लाइफ में होने वाली है, जो कि वैसे नहीं होने वाली थी, बट लेडी लक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काम करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, लेट्स सी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 कैसे रहने वाले हैं. For Aries, Leo and Sagittarius. For Aries, Leo and Sagittarius. Love life. In March 2024, we have Three of Pentacles, Two of Pentacles, and we have Queen of Wands. ओके, लव लाइफ में भाई थोड़ा सा आपको बच के चलना है. पुरानी बातों को पास्ट में ही छोड़ दीजिए, उनको फ्यूचर में या प्रेजेंट में ड्रैग करके लेकर के आने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप आगे की प्लानिंग कीजिए, आप अपने अगले स्टेप्स के बारे में सोचिए. आई थिंक आप लोगों का जो, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो पास्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस से भरा रहा है, बट अभी धीरे धीरे यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर्स. और या आप जैसे ना कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन में एंटर करने वाले हो, या आप लोगों की सिचुएशन में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं. धीरे धीरे कुछ रिलीफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आई फील कि अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल भी रही है तो आप उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे और बहुत ही ग्रेसफुली आप चीज़ों को संभाल पाओगे अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में. ओके, आई फील आप लोगों के लिए एज पर योर लव लाइफ यू ऑल्सो हैव टू ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक. मैं आप लोगों को जो क्रिस्टल सजेस्ट करूँगी दैट वुड बी एमेथीस्ट. अगेन आपके लिए अच्छा रहेगा, इट विल हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग. एमेथीस्ट आपको मदद करेगा सही फैसला लेने में. एमेथीस्ट आपके दिमाग को किसी भी टर्मोइल के दौरान जो है वो शांत रखेगा. ओके, सो ये आपके लिए सजेशन रहेगा, क्रिस्टल सजेशन. एंड लेट मी चैनलाइज, I feel that 8, 18 and 28 ये तीन तारीखें हैं जो इस महीने में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं. और एक जनरल क्रिस्टल सजेशन जो मैं इस साल के लिए सभी को सजेस्ट कर रही हूँ इज टाइगर्स आई. टाइगर्स आई इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड वेयर एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ओवरऑल आप लोगों के लिए मार्च 2024 का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है. वी हैव आर्कएंजल ज़ेडकेएल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस. आई थिंक ये मैसेज आप लोगों के पास्ट जो रिलेशनशिप में अभी कुछ हुआ है उससे जुड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. ठीक है, यू नीड टू forgive and forget someone. Journey guide, we have travel and change in location. आप कहीं घूमने जाने वाले हो भाई, और मे बी कई लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, जॉब चेंज हो रही है, या अ लॉट ऑफ जर्नी इज कमिंग अप. गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, आपकी इंट्यूजन जो है वो आपको बहुत हद तक काफ़ी सारी चीज़ों से बचाने वाली है. विजन, इंट्यूजन एंड रिसेप्टिविटी. आप इस महीने जितने रिसेप्टिव रहोगे, जितने ओपन रहोगे अपनी एनर्जीज को लेकर के, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. अपने इंट्यूजन पर भी आपने रिलाय करना है. आपको कोई स्पेसिफिक ड्रीम्स आ सकते हैं जो कि आपके लिए किसी तरीके का मैसेज हो सकते हैं, या आपको कुछ महसूस करवा सकते हैं. उस फीलिंग को आपने समझना है. या इस महीने में कहूँगी कि आपको अपने ड्रीम्स को बहुत केयरफुली वॉच करना है. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कार्ड. गॉडेस ऑफ ड्रीम्स आपको सपने में आकर के, शी कैन शो यू समथिंग, शी कैन गाइड यू थ्रू योर ड्रीम्स. एंड ऐसा होता भी है बहुत सारे लोगों के साथ में कि सपनों के दौरान जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होता है, उस टाइम पर जो हायर रियल्म्स की जो एंटिटीज़ होती हैं वो हमारे साथ में ईजिली इंटरेक्ट कर पाती हैं. स्पेशल ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम आर्कएंजल ज़ेडकेएल. आई थिंक आर्कएंजल ज़ेडकेएल इज़ द वन जो आपका हार्ट चक्रा हील करने वाले हैं, और आपको फॉरगिवनेस और कंपैशन महसूस करवाने वाले हैं, या इसका एक लेसन भी आप इस मंथ में सीखने वाले हो. एंड आई फील आपके थ्रू ये जो डिवाइन लाइट है ये और लोगों के अंदर भी स्प्रेड होगी, इन अदर, इन ऑल द कनेक्शंस दैट यू हैव इन योर लाइफ. ओके, सो यस,
दिस इज़ इट आज की ये रीडिंग हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। जाने से पहले एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा प्लीज़, विच इज़ जस्ट अ लाइक। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।